हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर में। और हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, NCERT की। और लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। यहाँ मैं सभी क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ बेसिक जिनमें फंडामेंटल्स यूज़ हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना चाहूँगा, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए बिल्कुल, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है NCERT में, एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे हम देख रहे हैं कि इसमें आपको गिवन है कि एक फिगर है, उसमें ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें 90 डिग्री का एंगल Q है। तो हमें वहाँ पर वैल्यू निकालनी है tan P माइनस cot R की। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, H होती है, और बाकी जो दो बची हुई साइड्स होती हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस होती है। और इस क्वेश्चन में भी आप जैसे देख रहे होंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि उसमें साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, इसमें आपसे टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालने के लिए कही गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उसमें तो टेन के साथ जो है एंगल दिया हुआ है पी, और दूसरे के साथ एंगल दिया है आर। यानी tan P जब हम निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ कंसीडरेशन हमारा P है, और जब हम cot R की वैल्यू निकालेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ कंसीडरेशन हमारा R है। तो उस हिसाब से हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस होंगे वो बदल जाएंगे, ठीक। तो हम देखेंगे, इधर साइड में मैं फिर से लिख लेता हूँ कि जब हमारे पास एंगल ऑफ कंसीडरेशन होगा एंगल P, यानी जब हमारे पास एंगल P को हम एंगल ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P के सामने वाली जो साइड है जो कि QR है, और जो बेस है हमारे पास वो ये वाली साइड होगी PQ, ठीक। PQ तो हमें इस क्वेश्चन में पता है पहले से, 12 सेंटीमीटर है। QR अभी हमें नहीं पता है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही जब हम वैल्यू निकालेंगे cot R की, तब हमारे पास एंगल ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगा एंगल आर, और जब एंगल आर एंगल ऑफ कंसीडरेशन होगा तो उसकी सामने वाली साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी इस बार पी क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और वो है हमारा 12 सेंटीमीटर। और जो इस बार बेस है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो क्यू आर हो जाएगा। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या करना है हमें, पहले हम इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, क्यू आर की। तो क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो वो हम देखते हैं, एच की वैल्यू हमें दी हुई है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ में 12 स्क्वायर, पी की जगह पी क्यू मान ले रहा हूँ फिलहाल, और ये बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आता है 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। इस 144 को हम दूसरी तरफ भेजते हैं, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, और ये आएगा 25। और यहाँ से बी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 25, और वो इक्वल होता है 5 के। यानी जो हमारा बेस है, बेस यानी जो हमने इस पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला है फिलहाल क्यू आर की वैल्यू, वो आ गई हमारे पास कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो जब एंगल पी की हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्यू आर होगा और उसकी वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब बी हम निकालेंगे किसके लिए, यानी बेस निकालेंगे एंगल आर के लिए, तो वो भी क्यू आर होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं tan P की वैल्यू। तो tan P याद करेंगे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तोले से क्या बनता है हमारे पास T, T से tan, और tan इक्वल होता है P अपॉन B के। तो P कितना है हमारा, देखें जब एंगल P होगा हमारे पास एंगल ऑफ कंसीडरेशन, तो परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस है हमारे पास 12, तो वैल्यू निकल के आती है 5 अपॉन 12। ऐसे ही cot R देखते हैं, इस बार cot किसके इक्वल होता है हमें पता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो B अपॉन P हो जाएगा,
जब एंगल आर्थ हमारे पास एंगल ऑफ कंसीडरेशन है तो बेस की वैल्यू क्यू आर यानी कि 5 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल एक सी आई है। तो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था कि टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालिए क्या आएगी, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर टेन पी की वैल्यू भी 5 5/12 माइनस ये वैल्यू भी कितनी है 5/12 है, दोनों सेम चीज़ है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें बेसिक्स पे ध्यान रखना था, बेसिक्स को ध्यान रखे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम कवर करें फटाफट, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं सभी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जो इजी क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा और जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो डिफ़िकल्ट है आप लोग नहीं कर पाएंगे उसे मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। और इसके अलावा भी मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है आप चाहते हैं कि मैं उसको सॉल्व करके दूँ आपको तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक्स और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।